ओहो, चार्ल्स भाई साहब ने भी स्पैम आर्मी निकाल ली है। अगर इस बेस पे इस तरफ से अटैक कर दिया तो ये बेस खत्म है। 9 o'clock से 12 o'clock की तरफ से अगर अटैक कर दिया तो ये बेस खत्म, बिल्कुल ही खत्म। और एकदम अपोजिट साइड से अटैक यहां पे किया जा रहा है स्टार्स भाई साहब के द्वारा। मतलब मैं होता तो बिल्कुल भी यहां से अटैक नहीं करता, कभी भी, नेवर नेवर इन माय लाइफ। पर स्टार्स भाई साहब अलग तरह के खिलाड़ी हैं, हम अलग तरह के प्लेयर हैं, उनका अटैक का स्टाइल हमसे जुदा जुदा है और हमारा बिल्कुल ही जुदा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 स्टार। 3 स्टार आने से मतलब है कैसे भी आए, और रॉयल चैंपियन आते हुए और पिच्छू की तरफ से अटैक करने का गाइस रीजन ये था कि आर्टिलरी आपको स्टार्टिंग में मिल जाती, और जब आपको आर्टिलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है इस अटैक में तो उसकी वैसे जरूरत होती है काफी ज्यादा। काफी अच्छी तरीके से परेशान किया हुआ है यहां पे स्केलेटन्स ने क्वीन को, आखिरी स्केलेटन भी डाल दिए। ओ, स्केलेटन्स ने ही उसको तोड़ दिया। पर फिलहाल यहां पे 3 स्टार मारने में तो कामयाब हो गए हैं स्टार्स भाई साहब। थोड़ी देर के लिए अटैक फंस गया था पर जिस 3 स्टार की जरूरत थी वो लाके दे दिया है, और एक फ्रीज स्वैग भी कर दी गई है। तीन में आठ, दो में पांच। आओ प्रदीप सुपर ड्रैगन के साथ, बिल्कुल। बेस को मारना ट्रिपल होगा थोड़ा सा मुश्किल। थोड़ी सी खतरनाक तरफ से अटैक यहां पे कर दिया है चाचा भतीजा स्पोर्ट्स ने गाइस। ट्रिपल हो सकता है पर ये, क्योंकि किंग के पास एबिलिटी है क्वीन 0 HP पे, पर घोड़ा जिंदा है, और जब तक घोड़ा जिंदा है तब तक आपको पता ही है कि घोड़ा कितना बड़ा। भाई ट्रिपल डबल फ्री स्वैग भी हो सकते हैं इसमें, और बिना रॉयल चैंपियन के भी ट्रिपल हो सकता है ये। भाई चाचा भतीजा स्पोर्ट्स बहुत भारी पड़ रही है यहां पे क्वीन वॉकर्स के ऊपर। डबल फ्रीज विद रॉयल चैंपियन स्वैग, क्लाउस भाई साहब को हैवी रिमांड।